से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हो गई हूँ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ये वीडियो है मेरे किचन प्लानिंग के बारे में कि कैसे मैंने अपने किचन को प्लान किया, डिजाइन किया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया और किन किन बातों का ध्यान रखा। अगर आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या फिर नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। किचन घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा थॉट और सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारे किचन में ही होती है। जो भी हार्डवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन पे वो बहुत महंगी आती है और स्पेस यूटिलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम किचन को प्लान कर रहे होते हैं। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे घर की जो लेडी होती है वो मोस्टली 60% टाइम अपने दिन का स्पेंड करती है। ये बहुत ही ज्यादा क्योटिक प्लेस भी है क्योंकि जब आप कुक कर रहे होते हो तो थोड़ी गंदगी ज्यादा होती है। चीजों को अगर तरीके से प्लान ना किया जाए तो हो सकता है कि आपका किचन बहुत ही ज्यादा हमेशा मेस रहे और दिखने में अपीलिंग बिल्कुल भी ना लगे। आजकल के अपार्टमेंट सिस्टम में क्या हो गया है कि किचन हमेशा जनरली बिल्डर इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जनरली उसको ओपन प्लानिंग में क्रिएट करते हैं, यानी कि किचन जो होता है वो ओपन किचन कॉन्सेप्ट पे रहता है जिसकी वजह से आपके डाइनिंग से या हो सकता है आपके लिविंग से आपका किचन एरिया जो है वो विजिबल हो। ऐसे में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने किचन को इस तरीके से प्लान करें कि वो दिखने में भी सुंदर लगे और हमें इस्तेमाल करते वक्त भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किचन प्लान करते वक्त में कुछ चीजों की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जैसे नंबर वन तो हो जाता है कि आपका बजट क्या है, बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर टू ये आ जाता है कि आपको किस तरीके का किचन चाहिए, आपको किस तरीके का डिजाइन चाहिए, आप किस तरीके से चाहते हो कि आपका किचन का फाइनल लुक बाहर निकल के आए। नंबर थ्री आप किस तरीके से अपना किचन यूज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि किचन आप किस तरीके से डिजाइन करें। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी कुक करते हैं या घर में दो या तीन लेडीज हैं वो सब साथ में मिलकर कुक करते हैं तो किचन की प्लानिंग उस हिसाब से वेरी कर जाएगी। मैंने जो अपना ये किचन प्लान किया है ये एक ओपन किचन है तो मैंने उस तरीके से प्लान किया। आप देख सकते हैं ये एक यू शेप किचन है क्योंकि यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने किस तरीके से प्लान किया अपने किचन को और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़े ताकि आगे अगर आप कर रहे हैं अपने किचन को रेनोवेट या डिजाइन तो आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, आप पहले से उसके लिए अवेयर हो जाएं। मेरे बिल्डर ने जो ये किचन दिया था ये एक एक्चुअली ओपन किचन शुरू से नहीं था। शुरू में आगे एक दरवाजे की तरह उसने कुछ एक आर्च दे रखा था जिसको हमने रिमूव कर दिया। हमने ये अपार्टमेंट तब लिया था जब ये बिल्कुल ही स्टार्ट हो रहा था बनना, मतलब एकदम से एक्सकेवेशन लेवल जब एक्सकेवेशन हो रही थी इस लैंड की हमने तभी बुक किया था ये अपार्टमेंट। तो हमारे लिए सिविल चेंजेस थोड़ी आसान थी करने के लिए तो हमने काफी सिविल चेंजेस की। हो सकता है आपने जब अपार्टमेंट बुक किया हो तो आपका किचन ऑलरेडी प्लान हो, ऑलरेडी बन चुका हो और कई सारे बिल्डर उसे वापस से सिविल चेंजेस करने उसमें नहीं देते हैं। तो पहले तो आप वो ध्यान में रखें कि किस स्टेज पे आपने घर लिया है और आप कितने चेंजेस इसमें कर पाएंगे, क्योंकि मेरा किचन जो है वो फुल्ली 100% हमने अपने हिसाब से बनवाया है। हर चीजों को हमने मॉडिफाई कर दिया है और ये बिल्कुल भी वो किचन नहीं है जो बिल्डर हमें देने वाला था। तो हो सकता है कि आप बहुत चीजें इसमें ना कर पाए, पर अगर कर पाते हैं और लुक अच्छा चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे प्लानिंग की है हमने। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं प्लानिंग के फर्स्ट स्टेज के बारे में। जैसे ही आपके हाथ में आपके घर के किचन का लेआउट प्लान आ जाता है जिसमें कि ये डिफाइंड होता है कि किचन की जो विड्थ है और जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, उस हिसाब से आप प्लानिंग शुरू करते हैं। उस हिसाब से आपको पता चलता है कि आपको कितना एरिया मिलने वाला है जहाँ पे आप अपने टॉप कैबिनेट्स को प्लान कर सकते हैं, अपने अंडर काउंटर कैबिनेट्स को प्लान कर सकते हैं। तो पहले अपने लेआउट के हिसाब से आप देख लें कितनी स्पेस है और किस तरीके से आप चीजों को उसमें फिट कर सकते हैं। किचन में अगर हम बात करें, आजकल जो बहुत कॉमन वर्ड है वो है मॉड्यूलर किचन। लोग कहते हैं कि मैंने अपने घर में मॉड्यूलर किचन करवाया है, तो वो एक्चुअली एक ऐसा टर्म है जो बहुत इस्तेमाल होता है पर गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। जो हम लोग किचन बनाते हैं जिसको कि हम मॉडर्न किचन जो होती है आजकल नए इक्विपमेंट से, नए हार्डवेयर से इस्तेमाल करके हम किचन बनाते हैं और हम बोलते हैं वो एक मॉड्यूलर किचन है, वो एक्चुअली इन रियलिटी मॉड्यूलर किचन नहीं होता है। मॉड्यूलर किचन का मतलब होता है एक ऐसा किचन जिसको आप जब चाहे तब उस जगह से निकाल के कहीं और फिट कर सके, यानी कि जितने भी ड्रॉर्स हैं, शेल्फ हैं, वो सभी डिटैचेबल होने चाहिए और आसानी से वहां से निकल के कहीं और फिट हो जाए
तो वो मॉड्यूलर किचन होता है। जबकि आप देखेंगे तो हम लोग जिस तरीके से किचन प्लान करते हैं, आम घरों में जिस तरीके से सो कॉल्ड मॉड्यूलर किचन प्लान किया जाता है, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी टॉप लिफ्ट कैबिनेट्स हैं ये डिटैचेबल नहीं होते। अगर आप इसे निकाल के कहीं और लगाने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दीवार में स्क्रूड होते हैं, स्क्रू करके इसको फिक्स किया जाता है। तो इसीलिए मॉड्यूलर टर्म मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। मेरा किचन है कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन किचन, मैं बोल सकती हूँ इंडियन इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इंडियन कुकिंग के हिसाब से मैंने इसको प्लान किया है। हमारे घर, हमारे खाने में, इंडियन के खाने में जिस तरीके से मसालों का इस्तेमाल होता है और जिस तरीके से हम कुकर में खाना बनाते हैं उसके छींटे बाहर निकलती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने चीजों को प्लान की है। और कॉन्टेम्प्रेरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओपन कॉन्सेप्ट में, बहुत ही मॉडर्न लुकिंग, और आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वेस्टर्न जो कंट्रीज होती है उनसे इंस्पायर्ड किचन है। वो कैसे है मैं आपको आगे बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने किचन में ध्यान रखा वो है कलर का। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस कलर का किचन आप चाहते हैं, यानी कि लैमिनेट जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो किस कलर का है, आपको क्या पसंद आता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, अलग अलग कलर्स के लैमिनेट्स आपको मिल जाते हैं। तो पहले तो ये आप डिसाइड कर ले कि कलर, आप जो थीम है किचन का वो क्या रखना चाहते हैं। अगर हम वास्तु की माने तो वास्तु के हिसाब से आपका जो किचन का डायरेक्शन है उसके बेसिस पे कलर डिसाइड होता है। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है आपके घर के, जो कि वास्तु के हिसाब से सबसे अच्छा डायरेक्शन माना जाता है, तो आप अपने किचन में रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर न्यूट्रल शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया है। न्यूट्रल शेड से मेरा मतलब है सारे वो शेड जो कि अर्दी शेड्स होते हैं, यानी कि ब्राउन, बीज, व्हाइट, ये सब जो कलर्स हैं ये एक अर्दी टोन कलर्स हैं। और वास्तु के हिसाब से माने तो इस तरह के कलर का इस्तेमाल हम घर के किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। मैंने अपने किचन को रेड कलर में नहीं किया, जबकि मेरा किचन घर के साउथ ईस्ट में पड़ता है, क्योंकि मुझे उतनी भड़कीली कलर्स का कलर पसंद नहीं आती है। मुझे इतना ज्यादा लाउड कलर अपने घर में इंटीरियर में मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैंने बहुत ही बेसिक टोन पे रखा है, इंग्लिश कलर कह सकते हैं आप उसमें रखा है। उसके अलावा मैंने बहुत वुड कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पर्सनली मुझे वुड बहुत पसंद है, तो मेरे घर में ज्यादातर, इनफैक्ट 90% चीजें आपको वुड बेस पे दिखेंगी। किचन प्लान करते वक्त में जो चीज कलर स्कीम से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मटेरियल, किचन के मटेरियल की सिलेक्शन, यानी कि आप किस मटेरियल के बेसिस पे अपने किचन को बनाना चाहते हैं। जनरली जो मार्केट में इस्तेमाल होता है वो है प्लाईवुड के ऊपर में लैमिनेट, और प्लाईवुड भी ऐसा होता है जो कि आपके वाटर रेसिस्टेंट हो, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट होना चाहिए वो, ताकि पानी अगर पड़े उस पर ज्यादा, क्योंकि किचन में पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो आपका वो प्लाई सड़ना नहीं चाहिए। उसके ऊपर लैमिनेट पेस्टिंग होती है, तो इस तरीके से लोग बनाते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत तरह के मटेरियल आते हैं, जैसे कि एक्रेलिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। मेरे ये टॉप लिफ्ट जो भी है वो एक्रेलिक से बनी हुई है, इसलिए थोड़ी सी शाइनी हो जाती है। एक्रेलिक बिल्कुल एक शाइनी सा एक इफेक्ट लाता है। आप चाहे तो हाई ग्लॉसी लैमिनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही चमक आ जाती है किचन में, या तो सेमी ग्लॉसी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैट फिनिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में, और आपके बजट के हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े सस्ते में किचन डिजाइन करें और बजट ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं, तो पीवीसी भी मार्केट में अवेलेबल है। पीवीसी शीट आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो पीवीसी में भी किचन बन जाता है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है वो। तो पीवीसी कह ले, एक्रेलिक कह ले, हाई ग्लॉसी लैमिनेट्स कह ले, मैट कह ले, तो इस तरह के बहुत ऑप्शन है मार्केट में। लैमिनेट में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे वेराइटीज, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर ले कि कौन से कलर स्कीम में आप जाना चाहते हैं, और उस बेसिस पे किचन आप बना सकते हैं। अगर आप मुझसे सलाह करना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप किस टोन पे जाए जो कि एवरग्रीन हो और आप कभी बोर ना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि न्यूट्रल शेड में जाए, लाइट और डार्क का थोड़ा कॉम्बिनेशन कर ले, उससे आंखों को बहुत सुकून मिलेगा और आप कभी बोर नहीं होंगे। ज्यादा भड़कीले कलर से हो सकता है कि कुछ दिनों में वो थोड़े से आंखों पे बहुत हार्श हो जाते हैं और फिर हमें थोड़ा सा वो बोरियत हो जाती है ऐसे कलर से, जबकि ये सब कलर जो होते हैं लाइट शेड वाले वो एवरग्रीन कलर होते हैं। एनीवेज ये डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है। अपना किचन आप ऑब्वियसली अपने चॉइस पे बनाए, अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, क्योंकि आपका बहुत समय उसमें डेफिनेटली बीतने वाला है।
तो मैंने सिलेक्शन लैमिनेट का उस बेसिस पे किया। मैंने ऊपर एक्रिलिक का इस्तेमाल किया है और नीचे मैंने नॉर्मल लैमिनेट का इस्तेमाल किया है जो कि वुड के कलर में है, और इसके ऊपर मैंने पॉलिश करवाई हुई है। पॉलिश मैंने इस लैमिनेट के ऊपर इसीलिए करवाई है क्योंकि मुझे ये अपने घर के बाकी जो थीम चल रही है, बाकी मेरे घर में विनियर का ज्यादा इस्तेमाल किया है मैंने, तो विनियर के शेड से मैच करने के लिए मैंने अपने लैमिनेट पर मैंने उस हिसाब से लैमिनेट सिलेक्ट किया था जो जिसके ऊपर पॉलिश पॉसिबल हो, क्योंकि उसके जो पोर्स थे वो थोड़े विजिबल थे तो पॉलिश उस पर चढ़ जाती है। एनीवेज आप अपने पसंद से करवा ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट एक्रेलिक है, ये वाला पार्ट लैमिनेट। में जो आप ये काउंटर टॉप देख रहे हैं ये क्वार्ट्ज काउंटर टॉप है। जनरली बिल्डर्स जो काउंटर टॉप देते हैं वो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट होता है और लोग वही इस्तेमाल करते हैं। मैंने व्हाइट दो रीजंस की वजह से ऑप्ट किया। नंबर वन, क्योंकि वास्तु मैं फॉलो करती हूँ और वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट पोर्शन में आप ब्लैक कलर का जितना कम इस्तेमाल करते हैं उतना अच्छा रहता है, तो मैंने इसीलिए व्हाइट प्रेफर किया। और दूसरा इसीलिए भी क्योंकि व्हाइट मेंटेन करना आसान है। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे क्योंकि जनरली ये मेंटेलिटी होती है लोगों की कि व्हाइट कलर की चीजें मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट है। लोग सोचते हैं कि व्हाइट है तो हल्दी के दाग लग जाएंगे या फिर स्क्रैचेस आ जाएंगे या फिर अगर गर्म पतीले इसमें रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक वाले ग्रेनाइट से ज्यादा आसान इसे मेंटेन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वार्ट्ज काउंटर टॉप का इस्तेमाल किया है। ये आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल है। प्राइस इसकी ज्यादा होती है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपको एक रेंज दूं तो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट लेते हैं और वो आपको 5 रुपए की आती है तो ये आपको 50-55 रुपए की आएगी। मतलब मैं ऐसे एक एग्जांपल की रेंज दे रही हूँ कि वो 5 की है तो ये 50 की है, तो आप सोच सकते हैं कितना गुना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आपके बजट में है तो आप ले सकते हैं। और ये बहुत सारे कलर्स में भी आती है, अगेन ऐसा नहीं है जैसे व्हाइट में आती है, ये बेज है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, मतलब आप जो कलर सोच सकते हैं वो कलर का मार्केट में आपको क्वार्ट्ज काउंटर टॉप अवेलेबल है। व्हाइट की वजह से फायदा ये है कि आप देख सकते हैं बहुत सारा लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है तो किचन आपका बड़ा दिखता है और सुंदर दिखता है। के बाद बात करते हैं प्लानिंग की कि मैंने किस तरीके से किचन को प्लान किया। तो मैं आपको थोड़ा सा एक वाइड एंगल लुक देती हूँ। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये मेरा काउंटर टॉप है जिसके ऊपर मैंने ये वाला एक आप देख सकते हैं प्रेस्टीज का हॉब इस्तेमाल किया है। ये ड्यूअल हॉब है, मतलब आप इसे चाहे तो काउंटर के ऊपर भी रख सकते हैं या काउंटर के नीचे भी कट करके रख सकते हैं। बहुत ही स्लिम है, ये बैटरी से ऑपरेट होता है तो आपको इसमें किसी भी माचिस या फिर लाइटर की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे ऐसे प्रेस करना है और ये ऑन हो जाता है। इसके साथ में यहाँ पे चिमनी है, ऑफ कोर्स चिमनी की जरूरत तो पड़नी है क्योंकि किचन में अगर चिमनी ना हो तो आपके जितने भी तेल मसाले के दाग हैं वो ज्यादातर आपके वॉल्स पे या फिर आपके लैमिनेट्स वगैरह पे लग जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे खिड़की है तो आप चिमनी अवॉइड कर सकते हैं। हमारे लेआउट में एक्चुअली यहाँ पे एक खिड़की थी पर हमने वो खिड़की को हटा दिया क्योंकि मुझे लुक बिल्कुल ही इसका एक प्रॉपर चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए था कि बीच में खिड़की की वजह से कुछ भी कट्स आए, तो यहाँ पे हमने चिमनी का लगाया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये रहा चिमनी। चिमनी के इधर बाजू में एकदम साइड में मैंने यहाँ पे ये दो आप देख सकते हैं शेल्फ दिए हैं और उसमें लाइट भी दिया हुआ है। ये ऐसे ही शो के लिए है ताकि दिखने में अच्छा लगे। इधर चिमनी के अगर देखेंगे तो हमारे पास में एक ओपन एक कबर्ड है जो कि इस तरीके से खुल जाता है। इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे सामान को रख रखा है इस तरीके से। फिर इसके साइड में ये वाला यूनिट जो है ये आरओ यूनिट है, इसके अंदर में ही हमने आरओ वाटर प्यूरिफायर रख दिया है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये देखिए अंदर में आरओ वाटर प्यूरिफायर है। ये इसलिए ऐसा किया है ताकि ये बाहर से विजिबल ना हो। जनरली क्या होता है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर लोग बाहर ही रख देते हैं तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो विजिबल रहता है। हमने इसको अंदर पैक करवा दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं अगर वो अंदर है, अगर पानी लेना होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने एक्चुअली ये हॉलो बनवाया है। अगर आप अंदर देखेंगे तो ये देखिए मेरा हाथ यहाँ से बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब मुझे पानी भरना रहता है तो मैं क्या करती हूँ, ये जैसे हमने जग लिया, यहाँ पे हाथ डाला
और ये पानी निकाल लिया, तो इस वजह से क्या है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और आपके यूज में भी कोई परेशानी नहीं आ रही है। दूसरी चीज क्या हमने यहाँ पे की हुई है, जनरली आप देखेंगे तो आरओ वाटर प्यूरिफायर के आसपास में बहुत सारे वायर्स, पाइप्स टाइप के जो आते हैं वो विजिबल रहते हैं, ब्लू कलर के, व्हाइट कलर के, क्योंकि एक आउटलेट के लिए होता है पानी का और एक हो जाता है अगर आपने एक्सटर्नल फिल्टर लगाया है, जो हमने लगवाया है, तो उसके लिए भी पाइप्स आते हैं। जिनके घर में होगा वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो दिखने में बहुत खराब लगता है। हमने क्या किया है, हमने उन सारे पाइप्स को वॉल के अंदर से लिया है, तो ये टाइल्स लगवाने से पहले ही उन दोनों पाइप्स को हमने अंदर की तरफ से लेकर के, आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये पाइप निकल रहा है, अंदर से एक छोटा सा होल कर दिया और उसे वहां से पाइप निकाल दिया ताकि दिखने में गंदा ना लगे और आउटलेट भी हो जाए। अगर मेंटेनेंस की बात करें, अगर हमें वो पाइप को चेंज करना है या कुछ और बात है तो भी आसान है, अंदर से हम जैसे ही पाइप खींचेंगे ये यहां से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में एक पतली सी पाइप है, उस पाइप के अंदर से ये पाइप निकल रही है, तो वो खींचना आसान है और डालना भी आसान है, स्प्रिंग की मदद से भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग पहले ही कर ली पहले से, इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर आपके सिविल चेंजेस अलाउड हैं आपके अपार्टमेंट में तो बड़ी आसानी हो जाती है प्लानिंग करने की, और अगर आप खुद का घर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इन चीजों का ध्यान रख ही सकते हैं। तो उस तरीके से हमने इस चीज को अरेंज किया, तो ये आरओ वाटर प्यूरिफायर के लिए हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे स्टोव के बिल्कुल पास में मैंने ये किया है और सिंक के साथ में किया है, तो मुझे कुकिंग करते वक्त बहुत आराम हो जाती है। यहाँ पे कुक किया, यहाँ पे अपने हाथ वॉश किए, पानी चाहिए तो यहाँ से ले लिया, तो ये प्लानिंग इस तरीके से करने से बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद एक ये वाला एक और कबर्ड है, ये टॉप लिफ्ट है, तो जिसके अंदर मैंने ये थोड़े बहुत अपने टी के सामान रख रखे हैं, तो ये थोड़े बहुत जागरी, शुगर और ये सब चीजें जो होती हैं वो रख रखा है। इसके ठीक बाजू में ये एक और है, मेरे पास शेल्फ है, इसके अंदर मैंने अपने क्रॉकरी के आइटम्स को रख रखा है, तो ये हो गया। और इसके इस तरफ अगर देखेंगे तो मैंने एक ओपन शेल्फ दे रखा था, मुझे यहाँ पे नॉर्मल सी एक टॉप लिफ्ट नहीं चाहिए थी क्योंकि वो फिर बहुत आगे आ जाती, कम से कम वो 2 फीट आगे आती है, तो यहाँ पे स्पेस जो था वो कम हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन शेल्फ दे दिए जहां पे कुछ मसाले रखे, कप रखे, कुछ भी आप शो पीस रख सकते हैं। तो ये हो गया एक एरिया। अब इसके बाजू में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक टॉल यूनिट है, मैं आपको अच्छे से दूर से दिखाती हूँ, बगल में ये, उसके जस्ट बगल में ये टॉल यूनिट है मेरे पास में, मैंने ये टॉल यूनिट बनवाया है, काफी हाइट में ये लंबा है, ये 8 फीट का टॉल यूनिट है क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए थी, मैंने लॉफ्ट्स नहीं बनवाए हैं किचन में। जनरली आप इंडियन किचन में देखेंगे तो लोग अपर कैबिनेट्स पे लॉफ्ट बनवा देते हैं, उसमें सामान रखते हैं, मैंने ये नहीं करवाया, एक तो इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मेरा फैमिली बहुत छोटा है, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उतना सामान स्टोर करूं, और दूसरा मुझे ज्यादा सामान स्टोर करना पसंद नहीं है, मैं पुराने बर्तन, पुराने कपड़े और पुराने डब्बे, प्लास्टिक की चीजें, ये सब बिल्कुल भी घर में रखती नहीं हूँ। जैसे ही कोई भी चीज मुझे लगता है कि अब काम की नहीं है तो मैं या तो उसे किसी को दे देती हूँ अगर जरूरत है तो, या अगर और भी बुरी कंडीशन में किसी को दे भी ना पाऊं तो मैं उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो चीजों को जमा करने की आदत नहीं है मेरी, इसलिए मुझे उतना लॉफ्ट की जरूरत भी नहीं थी, तो मैंने उतना ही डिजाइन किया है जिसको मैं मेंटेन कर सकूं और जिसकी मुझे जरूरत है। तो ये मैंने एक कैबिनेट यहाँ पे दिया, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर में भी मैंने स्पेस दे रखा है जहां पे मैं टोस्टर रखती हूँ और साथ में और भी जो कुछ बर्तन होते हैं वो स्टोर करती हूँ। नीचे 3 मैंने यहाँ पे टैंडम बॉक्सेस दे रखे हैं जो कि 25-30 kg का वेट ले सकते हैं, तो जो आटा के डब्बे, चावल का डब्बा, ये सब जो चीजें हैवी आइटम्स होती है वो हम इसमें स्टोर करते हैं। पहले वाले इस वाले में मैं अपनी पैंट्री आइटम्स रखती हूँ, पैंट्री आइटम्स में जो भी चीजें मार्केट से हम लेकर आते हैं जो कि पैकेज में होते हैं और हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मखाना रखा है और मैंने यहाँ पे मैक्रोनी रखा है, इस तरह की चीजें मैं रखती हूँ। इसके नीचे वाले इस वाले पोर्शन को अगर बात करें तो इसमें मैं चावल और इस तरह की चीजें रखती हूँ, ममरा यानी कि पफ ड्राई। अगर मैं आपसे नीचे वाले सारे कैबिनेट्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बॉटल पुल आउट बनवाया है, तो जिसमें कि हम लोग ऑयल्स रख सकते हैं और इस तरह की चीजें रख सकते हैं, तो ये एक हो गया बॉटल पुल आउट।
इसके इस साइड में तीन टैंडम बॉक्सेस आप देख रहे हैं। सबसे पहला वाला जो है वो है कटलरी होल्डर, तो ये कटलरी होल्डर ही आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग चम्मच और जो भी आपके स्पैचुलाज होते हैं और टोंग्स हैं, आपके सीजर्स हैं या किचन में इस्तेमाल होने वाली जो भी चीजें आपको कुकिंग करते वक्त जरूरत पड़ेगी वो रखती हूँ मैं। ये इस तरीके के एक ट्रे रखा है इसके अंदर में, ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, हर ब्रांड में मिल जाएगा। उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें मैं बर्तन रखती हूँ सारे, और प्लेट्स हो गए, पतीले हो गए, तो वो रखती हूँ। इसके सबसे नीचे वाले पोर्शन में मैं थोड़े बड़े आइटम्स रखती हूँ। फिर अगर इधर की बात करें तो इस वाले पोर्शन को मैंने खाली रखा है, क्योंकि मुझे सिंक के नीचे वाले पोर्शन में किसी भी तरीके का कुछ भी स्टोर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने इसको खाली रखा है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगेन ये दो टैंडम बॉक्सेस हैं जिसमें कि जो भी बर्तन वगैरह रखना है वो रखा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक खाली सी स्पेस है, क्योंकि ये एक्चुअली डिश वॉशर रखने को मैंने प्लान कर रखा है, तो फ्यूचर में मैं यहाँ डिश वॉशर रखूंगी। उसके लिए मैंने इनलेट आउटलेट सबका इंतजाम कर रखा है, कनेक्शन भी है, पाइपलाइनिंग कनेक्शन भी है, बस यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है या डेप्थ है वो मैंने एग्जिस्टिंग जो मुझे लेनी है मार्केट में और डिश वॉशर, उसके ही हिसाब से मैंने इसको प्लान किया है, ताकि मैं जब खरीदूँ तो बस इसे फिट करना रहे। तो ये मैंने अभी छोड़ रखा है, तो वैक्यूम क्लीनर और डस्टबिन रख देती हूँ, थोड़ा ईजी रहता है। तो इस तरीके से ये नीचे वाली प्लान, देखा कि नीचे मैंने कैसे प्लान किया है, ऊपर कैसे प्लान किया है। और दो तीन चीजें और अगर एक्स्ट्रा बताऊं कि क्या क्या ध्यान रखा है, तो सबसे पहले तो मैंने कहा अपने प्रोफाइल्स पे मैंने जे प्रोफाइल किया है, मैंने कोई भी एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स विजिबल हो या हैंडल का इस्तेमाल हो वैसा नहीं किया है। दूसरा चीज जो ध्यान रखा है मैंने वो ये कि सभी चीजें सॉफ्ट क्लोज है, तो अगर मैंने इसे खोला और मुझे ये बंद करना है तो मैं इसे छोड़ दूंगी, वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, तो आवाज वो जो बंद करने की शटर की आती है वो नहीं आने वाली। तो सब कुछ सॉफ्ट क्लोज में बनवा रखा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप बनवा रहे हो ध्यान रखिए। थोड़ा कॉस्ट आपका ज्यादा हो सकता है पर बहुत ज्यादा वैरी नहीं करेगा। इधर भी कोई हैंडल नहीं है, इधर इसके नीचे हाथ रखना है हमें, तो हमने क्या किया शटर को थोड़ा लंबा बना दिया है। अगर आपको 2 फीट का शटर करना हो तो आप 2.1 इंच का शटर अगर कर देते हैं तो वो 1 इंच नीचे आ जाएगी, तो आप उसको पकड़ के खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कारपेंटर को बोले तो वो समझ जाएगा कि क्या करना है। उसके बाद मैंने नीचे हर जगह देखेंगे तो मैंने हर एक ओवरहेड काउंटर के नीचे में लाइट्स दे रखी है, ताकि किचन थोड़ा ब्राइट लगे। तो लाइट्स का पहले से आप प्लानिंग कर ले, थोड़ी बहुत अगर लाइट नीचे रहती है तो किचन का लुक बहुत खिल के आता है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है ये। तो पहले से प्लानिंग कर ले, उसके लिए वायरिंग करवा ले, उसके लिए स्विचेस भी देख ले कि कहाँ कहाँ प्लेस करनी है आपको, उस हिसाब से लाइट्स बहुत सुंदर लगता है। फिर ये सिंक और ये नल जो आप देख रहे हैं, ये भी हमने पहले बिल्डर तो ऑब्वियसली दे रहा था, पर उसके जो सिंक्स थे वो बहुत ही नॉर्मल दिखने वाले और उतने अच्छे नहीं थे। हमने जो सिंक लिया है इसकी ये खासियत है कि एक तो ये एजेस से अगर आप देखेंगे तो राउंडिंग नहीं है इसमें, ये बिल्कुल ही रेक्टेंगुलर एज वाला है सिंक। आपको मार्केट में कैरिसल ब्रांड करके मिल जाएगा, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती है पर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके साथ ये वाला नल लगा रखा है। इस नल की खासियत ये है कि ये जनरली जो नल होते हैं हमारे किचन में या कहीं पे भी, वो दीवार से आ रहे होते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसके दीवार पे लगा करके वो निकल रहा होता है, पर ये वाला जो नल है ये दीवार से नहीं, काउंटर टॉप से ही आ रहा है। और इसकी खासियत ये है कि ये 2-3 तरीके का इसमें मोड दे रखा है, तो मैं देखती हूँ दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या मोड है। तो ये हमने ऑन किया, अगर हम इस वाले को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका मोड चेंज हो गया, ठीक है। फिर दूसरा करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, तो दो दो मोड इसमें दे रखा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ वॉश करना हो इस तरीके से, दूर तक भी पानी ले जाना हो तो पानी आप ले सकते हैं। फिर इसे यहाँ पे आपको बस प्लेस कर देना है। तो ये दो मोड है इसमें और इस तरीके से लीवर दे रखा है, तो ये दिखने में थोड़ा स्टाइलिश लगता है। आप चाहे तो इसे ऐसे मोड़ के रख दे या वैसे कर दे, जो भी है, ठीक है। तो ये भी सुंदर है, तो ये कुछ कुछ एड ऑन्स करने से किचन का लुक डेफिनेटली बेटर हो जाता है, पर ये तभी करें आप जब आपका बजट वो अलाउ करता हो। किचन मैंने जैसे कहा बहुत ही एक्सपेंसिव इंटीरियर होता है किचन का, पूरे घर में अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा महंगा कौन सा रूम आपका होने वाला है तो वो किचन होने वाला है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप किचन में मैंने अपने क्या क्या चीजें रखी। अब अगर आप देखेंगे तो मेरा किचन हमेशा ऐसा ही साफ दिखता है,
ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के लिए मैंने अभी साफ किया हो और ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखेंगे तो मेरा किचन मोर और लेस हमेशा ऐसा रहता है, और वो ऐसा इसीलिए रह पाता है क्योंकि मैंने उस हिसाब से प्लानिंग कर रखी है। मैं किचन को क्लटर नहीं करती हूँ, कोई भी चीज जो मुझे काउंटर टॉप पे नहीं चाहिए उसे मैं वहां नहीं रखती हूँ। हर चीज को अपनी जगह पे रखती हूँ, डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखती हूँ, और किचन मेरा हमेशा साफ रहता है। इसी तरीके से ये दिखता रहता है, कुकिंग करने के बाद में साफ कर लेती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, वरना जनरली मैंने देखा है कि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे काउंटर टॉप पे हजारों चीज लोग ने रख रखा है, और बेकार के प्लास्टिक के डब्बे हर जगह भर रखे हैं। वो डब्बों की वजह से कोई डब्बे ग्रीन है, कोई रेड है, कोई ब्लू है कलर में, और किचन पूरा ही मैसी दिखता है। तो अगर आप खुद से घर बना रहे हो, नया अपार्टमेंट में मूव इन कर रहे हो, थोड़ी प्लानिंग कर ले, थोड़ा सा उसके लिए फाइनेंसेस साइड करके रख दे, और ताकि किचन आपका सुंदर और अच्छा दिखे। अगर डेकोरेशन की बात करें तो किचन में डेकोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे इस वाले लुक की अगर बात करें, सामने में मैंने इस तरीके से सजा के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक ट्रे रखती हूँ, ट्रे के ऊपर में मैं एक ये जार रखती हूँ क्योंकि मैं ग्रीन टी पीना प्रेफर करती हूँ तो मुझे हमेशा काम में आता है। उसके साथ में मैं ऑयल के लिए यहाँ पे डिस्पेंसर रखती हूँ, कुछ भी स्पैचुला जो मुझे जरूरत पड़ने वाली है कुकिंग में वो रखती हूँ, एक चॉपिंग बोर्ड रखती हूँ। उसके साथ में ये एक ऐसे ही मैंने फ्रेम रख रखा है ताकि दिखने में सुंदर लगे। तो इस तरीके से मेरा सामने का पोर्शन में सिर्फ मैं यही रखती हूँ, इसके अलावा कुछ भी क्लटर मेरे किचन के फ्रंट पे नहीं रहता, क्योंकि फ्रंट का जो पोर्शन है वो मेरे घर के डाइनिंग रूम से विजिबल है, तो मैं नहीं चाहती कि ये क्लटर रहे। अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक छोटा सा ब्लेंडर रख रखा है जिसकी जरूरत पड़ती है, एक और चॉपिंग बोर्ड रखा है, ये मेरे फ्रूट्स वगैरह कभी मुझे कुछ कट करना हो तो उसके लिए है, कुछ मसाले हैं ऊपर, यहाँ भी लाइट है, ये देखिए यहाँ पे भी लाइट है, मिक्सर ग्राइंडर के लिए भी यहाँ पे मैंने कनेक्शन दे के रखा है। तो इस तरीके से ये पोर्शन भी मेरा ऐसा ही साफ रहता है, क्लटर नहीं होता। इधर अगर बात करें तो मैंने एक प्लांट रख दिया है, और उसके साथ में यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक पानी का जग रहता है ताकि खाना बनाते वक्त इंस्टेंट मुझे जरूरत पड़े तो मैं यूज करूँ। यहाँ पे मैं मसाले रखती हूँ, और मैं सारे मसाले डे टू डे के इधर से ही इस्तेमाल करती हूँ, ये इस्तेमाल करने में भी आसान है, दिखने में भी अच्छा लगता है। फिर इधर स्टोव आ गया, इस साइड में मैं एक सॉल्ट का ये रखती हूँ, और इसके इधर में एक ये देख सकते हैं टिश्यू होल्डर है जो कि खाना बनाते वक्त बहुत काम में आता है। बस इसके अलावा काउंटर टॉप पे मैं कुछ भी नहीं रखती ताकि ये क्लटर ना दिखे और साफ सुथरा रहे। व्हाइट क्वार्ट्ज मेंटेन करना भी आसान है, रोज बस दो बार ही इसको साफ कर ले, एक बार सुबह में साफ कर लेती हूँ या लंच के बाद कर लिया, एक बार रात को सोने से पहले भी सफाई कर लेती हूँ, तो जब सुबह उठती हूँ तो वो ऐसा ही साफ सुथरा रहता है। तो बहुत जरूरी है किचन को अच्छे से प्लान करना, अपने कलर को के स्कीम के हिसाब से प्लान करना, जो आपको कलर अच्छा लगता हो वही इस्तेमाल करें, उसको अच्छे से डिजाइन करें, स्पेस का ध्यान रखें आपकी यूजिबिलिटी के हिसाब से कि आप कितनी चीजें स्टोर करने वाले हो, आपके कितने लोगों का परिवार है, उस हिसाब से आप स्टोरेज क्रिएट करें, और कोशिश करें कि क्लटर फ्री किचन रहे। अभी किचन का एक और पार्ट है, चलिए मैं आपको, तो किचन का एक और पार्ट है वो है ये एरिया। जस्ट काउंटर टॉप के बाजू में मैंने इस तरीके से एक एरिया बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं क्या रखती हूँ, तो ऊपर वाले पोर्शन में पोटैटोज रखती हूँ, नीचे वाले में आनियंस और गार्लिक रखती हूँ, इस तरफ में मैं हल्दी और ड्राई रेड चिली रखती हूँ, और सबसे नीचे में मैंने एक फ्रूट्स बास्केट भी रख रखा है, और यहाँ पे बैठने के लिए एक सीटिंग स्पेस भी है, तो जब अगर कुछ भी गर्मा गर्म सर्व करना हो, डोसा वगैरह, तो मेरे हस्बैंड यहाँ बैठते हैं, मैं यहाँ से खाना सर्व करती हूँ, वो यहाँ पे खाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है दिखने में। इस तरफ से ये ऑब्वियसली स्टोरेज है, पर अगर आप घर के इस पोर्शन से देखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या एरिया है, तो ये साफ सुथरा दिखता है। ऊपर एक प्लांट है, नीचे मैंने एक लाइट का प्रोविजन दे रखा है, इस तरीके से एक लाइट है, ये यहाँ पे एक लाइट है ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए, और यहाँ पे भी लाइट है, उसके पीछे भी एक लाइट दिया हुआ है ताकि रात को ये बहुत सुंदर लुक देता है। तो एक तरीके का ये ब्रेकफास्ट काउंटर है। तो यहाँ पे मेरा किचन का ये वाला पोर्शन है, इसके जस्ट बगल में यूटिलिटी की का दरवाजा है, और यहाँ पे मैंने ये वाला बना के रखा है। तो ये पहले से प्लान करना जरूरी है कि कहाँ पे आप क्या चीज बनाएंगे जो दिखने में अच्छा भी लगे और पर्पस भी सॉल्व हो। तो ये वाला पोर्शन जो था जहाँ मैं पोटैटो आनियन रखती हूँ, एक्चुअली ये मेरा यूटिलिटी पोर्शन है, क्योंकि आनियंस को पोटैटोज को थोड़ी हवा लगने की जरूरत है वरना वो जल्दी खराब हो जाएंगे, तो मैंने किया वही है, पर इस तरीके से किया है कि वो दिखने में सुंदर लगता है और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये कोई एक
आलू प्याज रखने का सेक्शन है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग उस तरीके से किचन को प्लान करें कि काम में भी वो आता रहे, पर साथ ही साथ जो है उसका लुक्स पे भी ध्यान रखें। प्लानिंग करते वक्त आपको समझ में धीरे धीरे ये चीज आ जाएगी, कहाँ पे क्या रखना है, कैसे रखना है। और अगर डिटेलिंग की थोड़ी बात करूं कि आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है किचन बनवाते वक्त, तो सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन पे ध्यान रखना है, फिर उसके कलर स्कीम पे ध्यान रखना है कि कौन सा कलर का किचन आप करना चाहते हैं, आपका मोस्टली किचन का लुक उसी पे डिपेंड करेगा। नंबर थर्ड ध्यान रखना है कि स्टोरेज को कैसे प्लान करना है एक तरीके से कि वो स्टोरेज का भी पर्पस सॉल्व करे, पर दिखने में भी ज्यादा ओवरबर्डन आपका किचन ना दिखे। नंबर फोर्थ प्लान करना है कि किचन को थोड़ा सजा के और सुंदर से रखे, ना कि कन्वेंशनल तरीके से रखे जो पहले होता था कि किचन मतलब वो हल्दी नमक के छींटे पड़े हुए हैं, डब्बे रखे हुए हैं, प्लास्टिक रखा हुआ है। प्लास्टिक वैसे भी हेल्दी नहीं है, प्लास्टिक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टप्परवेयर जैसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, वरना आप ग्लास का इस्तेमाल करें तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। फिर आप जो अप्लायंसेस ले रहे हैं वो अप्लायंसेस आपके पर्पस को सॉल्व करता है या नहीं, सिर्फ क्योंकि वो फैंसी दिखता है इसलिए ना खरीदे। जैसे कि मैं इस चिमनी की बात करूं अगर, तो मार्केट में आपको 14-15 हजार में बहुत तरीके की चिमनी आ जाती है, वो बड़े वाले शेप वाले जो आजकल आते हैं वर्टिकल चिमनी आ जाती है, पर मैंने नॉर्मल चिमनी खरीदी, मैंने टच पैनल वाला भी नहीं लिया क्योंकि टच पैनल वाली चिमनी का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अगर आपके हाथ गीले हैं तो कई बार वो टच जो है वो नहीं काम करती, इसलिए मुझे बटन्स वाले ही चाहिए थे। मुझे येलो हैलोजन वाला ही लाइट चाहिए था, जबकि आजकल मार्केट में व्हाइट एलईडी मिलती है, तो क्योंकि मेरा थीम में येलो लाइट्स था तो मैंने ध्यान रखा कि ये येलो लाइट वाला ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख ले कि आपको किस तरीके का अप्लायंसेस सूट करता है, पसंद है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फैंसी है, इसीलिए क्योंकि बाकी लोग के घर में आपने देखा है आप ना खरीदे। स्टव भी मैंने, मुझे व्हाइट चाहिए था क्योंकि मेंटेनेंस आसान है, तो मैंने ऐसा वाला खरीदा डुअल कलर वाला। मुझे 3 बर्नर पे ही कुक करना अच्छा लगता है, मुझे 4 बर्नर पसंद नहीं है क्योंकि 4 बर्नर में चारों आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पर 3 बर्नर्स को वो ऐसे प्लेस रहता है कि आप तीनों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी लॉजिक है उसके बाद में सोचे, चीजें खरीदने से पहले सोच ले कि कितने काम आने वाली है तभी खरीदे, सिर्फ फैंसी दिखता हो इसलिए कोई भी चीज आप ना खरीदे। और किचन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे अच्छे से प्लान करे, आपका घर बहुत सुंदर दिखेगा अगर आपका किचन अच्छा दिखता है और आपको भी उसमें कुक करने में मजा आएगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है किचन से रिलेटेड या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, आप कुछ उसके बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी सारे कमेंट्स का। और आगे भी फ्यूचर में और भी वीडियोस लाऊंगी किचन रिलेटेड की, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप किचन प्लान कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई एम श्योर ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने देर तक मेरे साथ बने रहे। चलिए तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर को सुंदर स्वच्छ रखें, मेरे वीडियोस को देखते रहे, शेयर करें मेरे वीडियोस को, लाइक करें अगर पसंद आया हो, कमेंट करें मेरे वीडियोस पे क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या क्या टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। तब तक अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें, बाय।